इसका रेट कितना रखे हैं भैया? ये आपका 1,75,000। कितना रखे हैं? ये 1,00,000। मात्र 1,00,000 रुपए में ये ट्रैक्टर ले सकते हैं। इसका रेट कितना रखे हैं? ये 1,50,000। 1,50,000 में मात्र ले सकते हैं। कितना चाहिए? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहब, देख रहे हैं मास्टर माइंडर्स। तो दोस्तों, अगर आप सेकेंड ट्रैक्टर लेना चाहते हैं रांची में, तो आपको ये वीडियो फुल देखना होगा। सबका रेट आप देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पर ट्रैक्टर लगा हुआ, सबका रेट जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो सभी के लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश, यहाँ पर कैसे कैसे ट्रैक्टर मिल जाता है? पुराना नया जो भी चाहेंगे वो मिल जाता है। अच्छा, आपके यहाँ स्टार्टिंग रेंज क्या होगा? वो आपका 2,25,000 रुपये से लेके हाँ 4,500-5,600 जितना चाहेंगे। आपका एड्रेस क्या हुआ? 50 रोड कस्टमर। अच्छा, रांची। रांची रांची फाइनेंस होता है आपके यहाँ? जो ऊंचा मॉडल होगा, टॉप मॉडल होगा, उसी का होगा, उसका फाइनेंस होगा। अच्छा, जिसका ज्यादा रेट होगा। ज्यादा रेट होगा। तो कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? यहीं से स्टार्ट करते हैं। कौन सा ये कार हो, ट्रैक्टर हो गया? ये ट्रैक्टर हो गया आपका 2,75,000 भूमिपुत्र इको। इको कौन सा मॉडल का हो गया, कौन से ईयर्स का हो गया? ये आपका 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल है। अब देख सकते हैं कंडीशन एकदम ठीक है, फ्रेश है। आगे से भी आपको दिखा देते हैं, टायर वगैरह की बात करो, टायर वगैरह ठीक फ्रेश है। इधर से भी आप देख सकते हैं, पीछे के टायर की बात करो तो पीछे भी एकदम अच्छा है, इन्हें कि घिसा हुआ नहीं है। कितना चली होगी? 700 घंटा चली है। 700 घंटा मात्र चली हो। इसका रेट कितना रखे हैं? 4,50,000 रुपए। 4,50,000 रुपए में मात्र नाम ट्रांसफर करके 4,50,000 रुपया। रेट फिक्स है या ऊपर नीचे होता रहेगा? थोड़ा मोटा हो सकता है। तो आइए इधर से भी आपको दिखा देते हैं, इधर से भी आप देख सकते हैं। स्विफ्ट वगैरह की बात करो तो आप ले सकते हैं। अगर आप सेकेंड ट्रॉली भी बेचते हैं? ट्रॉली आएगा तो बिकेगा, ऐसे अभी तो नहीं है। नहीं, अच्छा चलिए चलिए नेक्स्ट ट्रैक्टर देखते हैं। ये कौन सा हो गया? ये स्वराज हुआ 834 मॉडल। ये कौन सा मॉडल हो गया? 834। कौन सा ईयर का मॉडल हो गया? 18 मॉडल। 2018 मॉडल है। तो आप देख सकते हैं आगे से बहुत इसका लुक अच्छा है, पेंट वगैरह कुछ नहीं उड़ा हुआ है। टायर वगैरह की बात करो, टायर वगैरह काफी अच्छा दिख रहा है, घिसा हुआ नहीं है। इधर से भी आपको देख सकते हैं, इंजन खुला हुआ अभी नहीं है। पीछे का टायर की बात करो तो पीछे से भी आप देख सकते हैं सब ठीक ठाक है। ऊपर से भी आपको दिखा देते हैं, झजनी जो भी अच्छा लगा हुआ है। सीट वगैरह की बात करो तो सीट वगैरह भी आप देख सकते हैं एकदम फुल कंडीशन में। रांची में अगर लेना चाहते हो तो आकर यहाँ से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे देंगे। ये कितना चली हुई है? 397 घंटा। इसका रेट कितना रखे हैं? ये भी 4,500। मात्र 4,500,000 रुपये। इसका मार्केट प्राइस नया पर कितना होगा? 6,500,000। 6,500,000 मार्केट प्राइस होगा। और ये आप 4,50,000 रुपए में आकर यहाँ से ले सकते हैं। ये फाइनेंस हो सकता है ना? हाँ, फाइनेंस हो सकता है। कितना परसेंट डाउन पेमेंट करना रहता है? दो लाख तक डाउन पेमेंट कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। और चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं ट्रैक्टर। कौन सा हो गया? ये महिंद्रा का ट्रैक्स्ट्रा। ट्रैक्स्ट्रा कौन सा ईयर्स का है? 5,50,000 का है ये। 5,50,000 का ट्रैक्टर है, कंडीशन एकदम फ्रेश है। ऊपर से देख सकते हैं बॉडी वगैरह पूरा ढका हुआ है। इधर से भी ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसको भी जाएगा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा। नया ट्रैक्टर होगा? नया ट्रैक्टर है। आप देख सकते हैं एकदम कहीं से भी पेंट वगैरह भी नहीं उड़ा है, इंजन वगैरह भी नहीं खुला है। अब इधर से भी देख सकते हैं टायर वगैरह की बात करो, सीएट का टायर लगा हुआ है देख सकते हैं। इधर से भी आप देख सकते हैं कहीं से भी चला हुआ ट्रैक्टर नहीं है। बम्पर भी आपको दिखा देते हैं, पीछे से बम्पर भी दिया हुआ है अच्छा से। अगर कोई भी गाड़ी पीछे से आती है तो आपके लिए सेफ रहेगा, ड्राइवर वगैरह के लिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं इसे भी ले सकते हैं। इधर से भी आप देख सकते हैं किलोमीटर भी आप देख सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर ट्रैक्टर मिल जाता है, सेकेंड ट्रैक्टर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट ट्रैक्टर भी देख सकते हैं। ये कौन सा हो गया? ये 2,75,000 TU। कौन सा ईयर्स का है? ये 2017 का है। 2017 का ट्रैक्टर है, अगर लेना चाहते हैं इसे भी ले सकते हैं। कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन एकदम फ्रेश है। इधर से भी आप देख सकते हैं कहीं से भी इंजन खुला हुआ नजर नहीं आ रहा। इधर से भी आप देख सकते हैं टायर वगैरह थोड़ा घिसा हुआ है, लेकिन पीछे का टायर बहुत अच्छा है, नया टायर लग रहा है। इधर से भी आप देख सकते हैं कंडीशन एकदम फ्रेश है। इधर से भी आपको दिखाते हैं सीट कवर के पास सीट, इधर से भी आप देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है। इसका रेट कितना रखे अंकल? 4,25,000। 4,25,000 रुपये मात्र ले सकते। ये भी फाइनेंस हो सकता है ना? हाँ, ये भी फाइनेंस हो सकता है।
2,00,000 रुपया आपको डाउन पेमेंट करना होगा, उसके बाद फाइनेंस हो जाएगा। चलिए एक पावर टेक का भी लगा हुआ है, उसका भी रेट जान लेते हैं। कौन सा हो गया पावर टेक का? ये 4,45। 4,45 से आप देख सकते हैं इसका आप कंडीशन एकदम फ्रेश है, ये बस यहाँ बैठा नहीं हुआ, इसे बैठ जाएगा। इसका भी आप देख सकते हैं टायर वगैरह थोड़ा बहुत घिसा हुआ है, लेकिन मिल जाएगा आपको अच्छा रेट। इसका रेट कितना रखे हैं? 1.5 लाख। मात्र 1.5 लाख में पावर टेक का ले सकते हैं। कितना चली होगी? 2,500 घंटा चला होगा, एकदम ठीक ठाक है, 1.5-1.5 लाख में ले सकते। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, महिंद्रा का ही लगा हुआ है। ये कौन सा हो गया? ये महिंद्रा का 2.75 यूको है। अच्छा, कौन सा ईयर का है ये? 2018 का है, इसका टायर खत्म हो गया था। अच्छा, टायर चेंज करके देंगे हम। अच्छा, टायर चेंज करके मिलेगा। आप देख सकते हैं टायर घिसा हुआ है, पीछे से अभी टायर चेंज हो रहा है, इधर से भी आप देख सकते हैं। इंजन वगैरह की बात करते हैं, इंजन भी आप देख सकते हैं, और सीट कवर के बाद सीट के पास भी देख सकते हैं। इसका रेट कितना रखे हैं? ये भी 4,50,000 रुपया। 4,50,000 रुपया में ले सकते हैं। नया टायर लग रहा है, आप देख सकते हैं, नया टायर लगकर ही मिलेगा आपको, ये भी फाइनेंस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, स्वराज का। ये कौन सा हो गया? ये स्वराज 37। कौन से ईयर्स का है? पुराना मॉडल है, बहुत पुराना मॉडल ट्रैक्टर है। कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन भी ठीक ठाक है, इधर से भी देख सकते हैं टायर वगैरह भी ठीक ठाक, इंजन वगैरह भी आप देख सकते हैं थोड़ा वेल्डिंग वोल्डिंग किया हुआ। इसका रेट कितना रखे हैं? मात्र 1,20,000 में अगर स्वराज का लेना चाहते हैं 735 तो ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रैक्टर भी देख लेते हैं, तो इनके पास कार भी मिल जाती है। कौन सा कार हो गया? ये टाटा बोल्ट है। अच्छा, कौन सा ईयर का कार है? हो गया 2016 मॉडल। कितना चली होगी? 61,000 में। कैश में मिलेगा ना? कैश में मिलेगा, फाइनेंस भी हो जाएगा। फाइनेंस करवाना चाहते हैं फाइनेंस भी करवा सकते हैं। अंदर से भी आपको दिखा देते हैं, अंदर से भी देख सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम निकला हुआ है, एसी वगैरह भी सब दिया हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। सीट कवर की बात करो, सीट कवर भी लगा हुआ है। इसका रेट कितना रखे हैं? 2.5 लाख। 2.5 लाख में आकर यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रैक्टर, ये कौन सा हो गया? स्वराज 834। कौन से ईयर्स का हो गया? 2018 मॉडल है। आइए इसका भी देख लेते हैं कंडीशन, कंडीशन ठीक ठाक है, और टायर वगैरह की बात करो तो आगे में थोड़ा घिसा हुआ है, और इधर से भी आप देख सकते हैं पीछे का टायर की बात करो, पीछे भी से देख सकते हैं। कितना घंटा चली हुई है? 570 घंटा चली हुई है मात्र। इसका रेट कितना रखे हैं? 4,50,000 रुपये में आकर यहाँ से ले सकते हैं, एकदम फाइनेंस भी हो जाएगा। पहले नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ये कौन सा हो गया? ये ट्रैक स्टार 545। अच्छा, इधर से भी आपको आते हैं दिखा देते हैं, कंडीशन एकदम फ्रेश है, इधर से भी खुला हुआ नहीं, पूरा पैक है। आप देख सकते हैं कहीं भी पानी वानी वगैरह जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं जाएगा। इधर टायर वगैरह की बात करो, टायर भी एकदम कंडीशन में है, घिसा हुआ नहीं। पीछे से भी आपको दिखा देते हैं, जो कि बम्पर इधर से भी आप देख सकते हैं पीछे से। कितना चली होगी? 6 लाख रुपये मात्र में ले सकते हैं। इसका नया रजिस्ट्रेशन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑनर होगा, फाइनेंस हो सकता है। इधर से भी आपको दिखा देते हैं, इधर से भी कंडीशन एकदम फ्रेश है, ये भी ले सकते हैं। ये कौन सा हो गया? विटारा ब्रेजा। अच्छा, ये कौन सा मॉडल हो गया? विटारा ब्रेजा। ईयर्स कितना हो गया? 2017 का है, रेड कलर में है। इसका कंडीशन एकदम फ्रेश है, नीचे स्क्रैच वगैरह भी नहीं लगा हुआ, टायर वगैरह की बात करो टायर भी ठीक ठाक है। इधर से आगे से भी आपको दिखा देते हैं, इसका रेट कितना रखे अंकल? 6 लाख। मात्र 6,00,000 रुपये में ले सकते हैं, फाइनेंस भी हो जाएगा? फाइनेंस भी हो जाएगा, तो लॉक है नहीं तो अंदर से भी आपको दिखा देते हैं, अंदर से भी आप देख सकते हैं कवर सब ठीक ठाक। ये महिंद्रा का 2.75 DITU है। अच्छा, कितना चली हुई है अप्रोक्स? ये 2,500 घंटा चला है। 2,500 घंटा चला हुआ है। आप कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन ठीक है, टायर वगैरह भी आप देख सकते हैं, ट्रायर वगैरह भी ठीक ठाक है, और पीछे का टायर भी बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा चला हुआ नहीं है गाड़ी, आप देख सकते हैं। अंदर से भी आपको, पीछे से भी आपको दिखा देते, ट्रैक्टर एकदम फुल कंडीशन में है। तो आइए इधर से भी आपको दिखा देते हैं, सीट वगैरह भी आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग वगैरह भी देख सकते हैं। इसका रेट कितना रखे हैं भैया? ये 2,55,000। 2,55,000 रुपये में ले सकते हैं। फाइनेंस होता है कि नहीं होता है? नहीं, ये फाइनेंस नहीं होगा, सेकेंड हैंड गाड़ी फाइनेंस नहीं होगा। होता है। अच्छा, होता है लेकिन थोड़ा रेंज ज्यादा जाता है। अच्छा, रेंज ज्यादा आपके यहाँ होता है कि नहीं होता? होता है, 4,50,000 की गाड़ी में फाइनेंस होती है। 4,50,000 के गाड़ी में अगर लेना चाहते हैं तो वो तभी फाइनेंस होगा, अगर 2,00,000-3,00,000 का गाड़ी लेते हैं तो फाइनेंस नहीं होगा। कंडीशन आप देख सकते हैं, बैटरी वगैरह सब नया डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। कितना का कौन सा बैटरी है भैया?
एमको कंपनी का बैटरी भी दिया हुआ है एकदम फुल कंडीशन में। इनके पास हर तरह का गाड़ी, महिंद्रा का ही गाड़ी मिलता है और कोई कंपनी सभी तरह की इनके पास गाड़ियाँ मिल जाती है, ट्रैक्टर वगैरह मिल जाती, ट्रॉली वगैरह भी रखते हैं। अभी नहीं, इनके पास स्टॉक खत्म हो गया, तो चलिए नेक्स्ट कार भी, नेक्स्ट ट्रैक्टर भी देख लेते हैं। ये कौन सा हो गया भैया ट्रैक्टर? ये महिंद्रा का शक्तिमान हुआ। ये महिंद्रा का शक्तिमान कौन सा मॉडल हो गया? ये आपका शक्तिमान 35 NX। कंडीशन आप देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर धूल मिट्टी लगा हुआ है, उसे धो दीजिएगा तो सब साफ हो जाएगा। टायर वगैरह भी आप देख सकते हैं, टायर वगैरह भी साफ है। आगे से भी आपको कंडीशन दिखा देते हैं, कंडीशन एकदम फ्रेश है। पीछे से भी आपको दिखा देते हैं, पेंट वेंट वगैरह नहीं उड़ा है, आप देख सकते हैं। कितना चली हुई? ये 2000 घंटा चली हुई। इधर से भी आप देख सकते हैं, अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर लेना चाहते तो आकर यहाँ से ले सकते हैं। पीछे से आगे से भी आपको दिखा देते हैं, पीछे का टायर वगैरह की बात करें तो ठीक है, और पीछे से भी आपको दिखा देते हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं। इसका रेट कितना रखे हैं भैया? एक लाख पचहत्तर हज़ार रुपये में ट्रैक्टर ले सकते हैं। इसके साथ क्या क्या मिलेगा, मतलब नाम ट्रांसफ़र करने टाइम कितना समय लग सकता है? वो तो पार्टी को कराना होगा नाम ट्रांसफ़र, उसमें जो भी पैसा लगेगा पार्टी को अलग से देना पड़ेगा, नाम ट्रांसफ़र करते हैं उसको अलग से देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट ट्रैक्टर भी देख लेते हैं। तो ये कौन सा हो गया भैया ट्रैक्टर? ये HMT का है। HMT कंपनी? हाँ। अच्छा, ये कौन सा मॉडल हो गया? ये है 25-22। 25-22 है। कंडीशन आप देख सकते हैं, कंडीशन है थोड़ा टूटा वगैरह है, मतलब स्क्रैच वगैरह है, पेंट कीजिएगा तो पेंट का। पुराना गाड़ी है, कंडीशन आप देख सकते हैं, खुद अनुमान लगा सकते हैं। और टायर वगैरह की बात करो, टायर वगैरह ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो आ सकते हैं, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रांची में मिलेगा, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि रांची में सेकेंड हैंड ट्रैक्टर का नहीं मिलता है, ट्रैक्टर नहीं मिलता, लेकिन रांची में आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंडीशन एकदम ठीक ठाक है, और टायर वगैरह भी, तो टायर की बात करो टायर ठीक है। और इधर से भी आपको लुक दिखा देते हैं, इसका रेट कितना रखे हैं? मात्र 1 लाख रुपए में ये ट्रैक्टर ले सकते हैं। थोड़ा मोगरा थोड़ा आपको खर्चा करना, खर्चा करके आपको बनवाना होगा, इसके आपका ट्रैक्टर अच्छा हो सकता है। आगे के भी लुक आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रैक्टर भी देख लेते हैं। ये कौन सा हो गया भैया ट्रैक्टर? ये शक्तिमान 35। शक्तिमान एक ही मॉडल है? हाँ। शक्तिमान 35 है, इसका भी देख सकते हैं कंडीशन ठीक है। थोड़ा पेंट वगैरह उड़ा हुआ है, क्योंकि धूप में रहता है तो पेंट वगैरह उड़ गया है, इधर से आप देख सकते हैं। और टायर वगैरह की बात करो, टायर भी ठीक ठाक है, पीछे के टायर की बात करो तो थोड़ा घिसा हुआ है। और इधर से भी आप देख सकते हैं, इसका रेट कितना रखे हैं? ये 1.5 लाख। 1.5 लाख में मात्र ले सकते हैं। कितना चली होगी लमसम? ये 1000 घंटा। 1000 घंटा मात्र 1000 घंटा चली हुई। अगर लेना चाहते तो मोबाइल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आकर यहाँ से ले सकते हैं, रांची में मोबाइल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रैक्टर। करता वीडियो आपको पसंद है, और वीडियो आपको चली गई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। नया ले लो।